करके उनको पीरियड वाइज लगाया, यानी कि जैसे स्कूल में तुम्हारे क्लास के सभी क्लासेस के अलग अलग पीरियड्स होते हैं, राइट। तो पहले क्लासिफिकेशन क्लासेस में बांटा जाता है बच्चों को, क्योंकि 2,000, 3,000, 4,000 बच्चे एक स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं, उनको पहले क्लासेस में बांटा जाता है, फिर उनको उनके पीरियड वाइज उनका एक टीचर का अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसे ही अरेंजमेंट हमने अपने एलिमेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे रासायनिक तत्व हमारे पदार्थ तो या एलिमेंट्स हमको मिल गए थे, अब उनको लगाना बहुत ज़रूरी था। अब लगाना क्यों ज़रूरी था, देखो जैसे कि घर पे राशन आता है, पता है जब घर पे राशन आता है तो हम आटे के ड्राम में आटा डाल देते हैं, चीनी के डब्बे में चीनी डाल देते हैं, तेल तेल के कनस्तर में डाल देते हैं, तो जो भी हम सामान है उसको अलग अलग क्यों रखते हैं, कि हम निकालने में हमें आसानी हो और वहाँ से निकाल के उसका हम उपयोग कर ले। ऐसे ही रसायनों का हमने उपयोग करने के लिए उनको पार्टिकुलर क्लास और पीरियड्स में बांट लिया, ताकि वहाँ से उठाए उनको यूज करें, वहाँ से पढ़े उनको, उनके क्लास के बारे में हमें पता हो, उनके पीरियड के बारे में हमें पता हो। समझ में आई इतनी बात। अब इसको करने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जैसे कि हमारे स्कूल में या हमारे घर में, घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हम डब्बों में डालते हैं कुछ चीजों को, रजिस्टर में डालते हैं कुछ चीजों को, जो लिक्विड होती है जैसे कि मान लीजिए तेल है, ठीक है, तेल को हम उसकी कैन में या फिर उसके कनस्तर में डालते हैं। तो हर चीज के लिए बर्तन अलग अलग है। क्यों है ऐसा, क्योंकि सबके फॉर्म्स अलग है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है जी, और कई बार तो गैसेस फॉर्म में आते हैं, जैसे चिप्स हो गए, ठीक है, उसका पैकेट जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। चलिए बात करते हैं आगे, हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें। अब एलिमेंट जो है सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स थे, अब उन सबको इकट्ठा करना और उन सबको एक हिसाब से बांटना, जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ा था डाइवर्सिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, याद है वो सेवन चैप्टर आपको, ठीक है, तो उसमें जैसे हम पढ़कर आए थे, तो इस चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे वहां पर बांटा था ऐसे ही यहाँ पर बांटेंगे। अब बांटने के लिए कई लोगों ने अपने हाथ इकट्ठे खड़े किए कि जी मैं बांटूंगा, सबने कोशिश की। तो सबसे पहले जिस बंदे ने कोशिश की उसके बारे में बात करते हैं, तो कौन सी थ्योरी थी सबसे पहले जो आई थी, डॉबराइनर के त्रिक का सिद्धांत, या डॉबराइनर ट्राइएड थ्योरी। तो ट्राइएड थ्योरी में उसने क्या बताया कि पहला और तीसरा अगर हम जमा कर दें, पहला और तीसरा क्या जमा कर दें, एटमिक मास को, अगर हम दोनों के पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटमिक मास को हम प्लस करके बटे में दो कर दें, यानी कि एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें बीच वाले का एटमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। अब उसने इस हिसाब से लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जो बेस्ट एग्जांपल उसने दिया था डॉबराइनर का जो थ्योरी था उसके हिसाब से उसने उसके अंदर कुछ एग्जांपल देखे हमें प्रूफ करने की कोशिश की। जैसे कैल्शियम का एग्जांपल उसने लिया, कैल्शियम स्ट्रोंथियम और बेरियम का एग्जांपल उसने लिया, तो उसका जो कैल्शियम का एटमिक मास है वो 40.1 है, और SR का एटमिक मास के बारे में बात करें तो 87.6 है, और बेरियम के एटमिक मास के बारे में बात करें तो 137.3 है। अगर हम तीनों को जोड़ के, पहले और तीसरे को जोड़ के बटे में दो कर लें, तो करीब करीब हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच वाले का एटमिक मास का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो उसने इस तरह से किया, लेकिन इसकी कमी क्या रही। अब देखो क्या है कि इसने सिर्फ तीन लोगों के बारे में बात की, अब हमारे पास एलिमेंट्स सिर्फ तीन है क्या, अब एलिमेंट्स तो कई सारे हैं, तो ये अपनी थ्योरी में किसके बारे में बात कर रहा, सिर्फ तीन के बारे में बात कर रहा था, यही सबसे बड़ी इसके अंदर कमी थी। हालांकि काफी सही था हिसाब किताब, पहली बार किसी ने कोशिश की थी तो काफी सही था, लेकिन डॉबराइनर की ये ट्राइड की थ्योरी यहाँ पर फेल होती है। तो लिमिटेशन में क्या लिखोगे कि ओनली थ्री एलिमेंट्स वर कंसिडर्ड एट वन टाइम, यानी कि उसने एक वक्त पर सिर्फ तीन रासायनिक तत्वों की या पदार्थों के बारे में बात की। तो यहाँ पर डॉबराइनर का सिद्धांत तो समझ में आ गया कैसे किया उसने, क्या थ्योरी थी और उसकी क्या लिमिटेशन थी। देखो इस चैप्टर में से जो सवाल आएगा वो अब कुछ पैटर्न बदलने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा था कि लिमिटेशंस बताओ और सिद्धांत बताओ, लिमिटेशन और थ्योरी। अब उसको बदल के लिख दिया एनोमलीज, बदल के लिख दिया ड्रॉबैक्स, ठीक है जी, सीमाएं हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल अब नहीं आते, अब कौन सा सवाल आता है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहना, जब मैं लास्ट में वो सवाल बताऊंगा तो वो सवाल उतार लेना, बाकी मैं लिख के दूंगा ही नीचे स्लाइड में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, उसके बाद हमारे आए न्यूलैंड भाई। तो न्यूलैंड सर ने हमें न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव दिया। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर क्या हो रही थी बात, कि पहले से लेके
आठवां जो तत्व है एक से लेके आठ तक की बात करें तो जो पहली प्रॉपर्टी थी वो आठवें में वापस से अकर हो रही थी, यानी कि जो एक से लेके सात तक है बाकी आठवां जो है वो पहले जैसा ही आएगा। तो उसने एग्जांपल दिया था एक कीबोर्ड का, एक पियानो का, एक हमारा हारमोनियम का जिसमें सुर होते हैं सारे गामा पादा नी सा, और सा लास्ट का आठवां सुर बनता है सारे गामा पादा नी के बाद फिर सा रिपीट होता है। तो न्यूलैंड ने ऐसा कहा। अब न्यूलैंड ने ऐसे करके उसको एलिमेंट को उनके बढ़ते क्रम में, उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उनको लगाने की कोशिश करता चला गया। तो उसने जब लगाया तो उसने देखा कि जो पहला एलिमेंट था आठवां एलिमेंट बिल्कुल उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज वाला ही निकल कर आया। तो पहला उसने लगाया ऐसे हाइड्रोजन लगा दिया, उसके बाद लिथियम लगा दिया, फिर बेरिलियम लगा दिया, फिर बोरोन लगा दिया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, फिर कैल्शियम क्लोरीन, ठीक है, और उसके बाद कोबाल्ट निकल। अब यहाँ पर आकर के वो थोड़ा सा फंस गया क्योंकि कहीं पर जाकर के उसकी लिमिटेशंस तो आनी थी क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर वो पूरा जोर दे रहा था। अब क्या हुआ कि अब बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, थ्योरी तो क्लियर हो गई। तो लिमिटेशन क्या थी कि अब थ्योरी समझ में आ गई ना कि थ्योरी का मतलब इसमें सिर्फ एक ही सिद्धांत था कि जो एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में जब हम लगाएंगे तो पहले और आठवें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएंगी, ठीक है, सेम आएंगी, लगभग एक जैसी आएंगी, ठीक है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन तो सेम सेम ही है, एक ही फैमिली के, हैलोजन फैमिली के, हम कार्बन में पढ़कर आए हैं हैलोजन, ठीक है। चलिए बात करते हैं लिमिटेशन के लॉ की, कुछ कमियों के बारे में। तो लिमिटेशंस तो सवाल बनकर आएगा, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो कमी सिर्फ इतनी सी थी कि ये क्या कर रहा था कि लाइटर एलिमेंट्स तक, यानी कि आपको कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं ना, क्रोमियम मैग्नीज टाइटेनियम आयरन ये तो बहुत बड़े बड़े हैवी हैवी एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। फिर दूसरी बारे में अगर एक और इसकी कमी के बारे में बात करें तो क्या था कि कुछ एलिमेंट्स जब तक ऐसे भी थे जो कि डिस्कवर ही नहीं हुए थे, अब जो बाद में डिस्कवर हुए उन्हें वो अरेंज नहीं कर पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी। फिर इसके बाद में न्यूलैंड का भी लॉ खत्म हुआ, पहले डॉबराइनर पढ़ा हमने, फिर न्यूलैंड पढ़ा, उसके बाद में आया मेंडलीव का लॉ। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने भी यही चीज रिपीट की, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि बढ़ते क्रम में जब एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान को लगाया, और उसने ये बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो रासायनिक या गुणधर्म है ये वापस वापस जो रिपीट हो रहे हैं ये होना ही है क्योंकि ये इनका पीरियडिक फंक्शन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इनका पीरियडिक फंक्शन है, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये दोबारा से रिपीट होती ही है। तो मेंडलीव ने ऐसे क्लियर करके बताया। तो उसके अंदर भी कुछ कमियां आई, जो मेंडलीव ने किया उसके कुछ फायदे भी थे कुछ नुकसान भी थे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वीडियो अब ले रही है करवट, क्योंकि अब जो दो बड़े बड़े टॉपिक हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं, एक तो मेंडलीव की पीरियडिक टेबल और एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने जैसा था ही नहीं, लेकिन इसके बाद एक और टॉपिक जो मैंने बताया था कि अब एग्जाम में बदल के आने लगा, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो वाकई में ये चैप्टर एक वीडियो में आज खत्म। पीरियडिक टेबल है उसके बारे में हमारी बात चल रही थी कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के अंदर उसने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो ये तो क्लियर था कि सबसे पहले उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लगाया और उसने बताया कि जो प्रॉपर्टीज ये रिपीट हो रही हैं ये इनका पीरियडिक फंक्शन है। ये लाइन तो समझ में आई गई होगी। इसके बाद में बात करें तो उसने कुछ इस तरह से अपने चैनल को बनाया कि उसने एक तरफ तो लिए ग्रुप्स और एक तरफ लिए पीरियड्स, अब उसने कुछ सीरीज भी बनाई और साथ में ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को लगाना शुरू किया। लेकिन उसके अंदर कमियां क्या थी अब उसके बारे में बात कर लें। तो जो कमियां थी, कमियों में सबसे नंबर वन कमी ये थी कि उसने हाइड्रोजन की जगह नहीं फिक्स की, दूसरा वो आइसोटॉप्स की जगह नहीं बना पाया, और तीसरा के वहां पर जो भी गैप्स थे जब तक डिस्कवरी नहीं हुई जब तक वो गैप्स अनफिल्ड ही रहे। तो ये तीन मोटी मोटी कमियां मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की थी। इसके बाद में बात करें तो इसने अच्छे काम क्या किए, जो गैप थे वो अच्छे भी थे क्योंकि बाद में जर्मेनियम जैसे स्कैंडियम जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उनको वहां फिट कर दिया गया। एक कमी ये भी थी कि वो निकल की और जो कोबाल्ट की पोजिशन थी उसमें भी कुछ कंफ्यूजन थी, किसी को पहले रख दिया गया जबकि उसके एटॉमिक मास के हिसाब से वो पहले नहीं आना चाहिए था।
ठीक है, वो एग्जांपल आपको बहुत फेमस एग्जांपल है, मेंडलीव की कोई भी कमी अगर बतानी हो तो निकेल और कोबाल्ट वाला तो एग्जांपल याद रखना ही रखना, क्योंकि मैंने क्या किया था याद करने के लिए, निको मेंड करके मैंने याद किया था कि मेंडलीव की अगर कमी लिखने को आएगी तो मैं लिखूंगा निकेल कोबाल्ट मेंडली, तो मैंने नी को मेंड करके याद कर लिया था कि अगर मेंडलीव की लिमिटेशन लिखने को आई, और क्योंकि बहुत पहले मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे पूछा जाता था सीधा सीधा सवाल, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियड टेबल, और कंपैरिजन पे दिया जाता था मॉडर्न पीरियड टेबल के, तो मैंने तो नी को मेंड करके याद किया था जैसे हमने विब्रियो और याद किया है। आपका तरीका भी कुछ और हो सकता है याद करने का, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तरीका एक ही होना चाहिए, ठीक है, तरीके तो बदलते रहते हैं लेकिन बस मकसद सेम होना चाहिए कि हमें वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो एक ये कमी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि उसके बाद में अब हुआ क्या कि अब आती है बात कि कहानी जब बार बार रिपीट हो रही थी मेंडली, रॉबराइनर, न्यूलैंड, लेकिन एक अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। फिर कई सारे साइंटिस्ट्स ने मिलकर के फैसला किया कि हम सब मिलेंगे और हम अब की बार दिशा बदल के देखते हैं, क्या पता दिशा बदल जाए, दीवार को धक्का मार के तो बहुत देख लिया। तो उन्होंने अब की बार कॉन्सेप्ट बदला और एटॉमिक मास से हटा करके गाड़ी एटॉमिक नंबर की पटरी पर ले आए। तो जब एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लगाया तो उन्होंने हाइड्रोजन की जगह भी बना दी, नोबल गैसेस को जगह भी दे दी, आइसोटोप्स के लिए भी जगह बन गई और सारे के सारे एलिमेंट्स क्रमबद्ध लगते चली गए। तो उसने कुछ ग्रुप्स बनाए उन्होंने और कुछ सीरीज कुछ पीरियड्स बनाए। तो जो वर्टिकल थे वो क्या थे, ग्रुप और पीरियड। जो वर्टिकल है जो नीचे की ओर जा रहे हैं वो क्या थे, ग्रुप या पीरियड, वो थे पीरियड, और जो हॉरिजॉन्टल जा रहे थे वो थे ग्रुप। समझ में आई बात। तो उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए और कुछ पीरियड बनाए और उसमें लगाते चले गए। तो उन्होंने एक सिंपल सा फंडा लिया था जिसके अंदर वो आउटर मोस्ट शेल को देख रहे थे, किसके पास एक बचता है, किसके पास दो बचता है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसकी वैलेंसी क्या है और किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और इसके हिसाब से वो लगाते चले गए। जैसे हाइड्रोजन लगाया, फिर हीलियम लगाया, फिर लिथियम लगाया, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, अगर शुरू के 20 भी याद कर लो तो भी काफी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के वैलेंसी जितने चाहिए जितना दे रहे हैं, उसके बाद कौन सा होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5, सल्फर की। अब एक कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि वैलेंसी सिर्फ 4 तक जाती है, 5वें तक नहीं जाती। तो ये चीज याद रखने वाली कि वैलेंसी सिर्फ 4 तक जाएगी, 1, 2, 3, 4, उसके बाद फिर 3, 2, 1 ऐसे करके वापस आएगी। समझ आ रही बात। जैसे कार्बन की हाईएस्ट होती है वैलेंस 4 होती है, उसका एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, अब उसको देने होंगे 4 या लेने होंगे 4, इसलिए कार्बन अपने से ही दोस्ती ज्यादा रखता है, इसलिए उसकी कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो वहीं पर काम आती है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन की चेन बनाता है, क्योंकि कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है इसके पास 4 अवेलेबल है। जल्दी से ढूंढने जाओगे 4 वाला मिलेगा कौन, ठीक है, 3-4 अलग अलग लेने से अच्छा है, 4 अलग हाइड्रोजन लेने से अच्छा है कि कार्बन कार्बन से दोस्ती ज्यादा कर ले, क्योंकि कार्बन की हुक ज्यादा है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, तो वो इसलिए कार्बन से ही ज्यादा दोस्ती करता है। और इसीलिए हमने जो कार्बोनेट्स कंपाउंड में चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर कार्बन वाले जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी थी वो इंपॉर्टेंट क्यों थी पढ़ने, एक नंबर पे सवाल वो क्यों आता है, इसीलिए आता है, ठीक है। और जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में भी मैंने कैटिनेशन का सवाल कई बार देखा है, तो आप ध्यान से सुन लो, ठीक है जी। कहानी बढ़ जाती है आगे। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, टर्म्स याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आईआईटी जेईई वालों की भी बता रहा हूँ पढ़ाई, पॉलिटेक्निक का एग्जाम अगर दे रहे हो, दिल्ली पुलिस एग्जाम अगर दे रहे हो, जिस जिस पेपर में सरकारी नौकरी के अगर साइंस आएगी तो ये सवाल जरूर आएगा, तो ध्यान सुन लो। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, एटमिक साइज और एटमिक रेडियस, राइट। तो ये चारों चीज पढ़ रही है। अब क्या किया कि जब हम लेफ्ट टू राइट और नीचे से ऊपर जाते हैं तो कुछ कहानी बदल जाती है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने शुरू में बताया था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, वो इस चैप्टर में आजकल ट्रेंड बन गया है। आजकल ट्रेंड क्या बन गया है कि ये सवाल ऐसे आते हैं घूमा फिरा करके, क्योंकि पहले आते थे 5 नंबर का सवाल फिक्स होता था कि 5वें चैप्टर में से 5 नंबर का सवाल आएगा, आगमन करके चले जाओ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल चार्ट के चले जाओ, मेंडली पीरियडिक टेबल चार्ट के चले जाओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ट्रेंड बदल गए हैं, अब ये 3 नंबर में सवाल देते हैं या 5 नंबर के सवाल में आधा पार्ट इसका दे देते हैं। और पूछा गया क्या होगा अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, क्या होगा अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं। तो जो पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, देखो एटमिक साइज जो है वो जब रेडियस बढ़ेगी, देखो क्योंकि एटम जो होता है सर्कुलर होता है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती किसी भी सर्कल की उसका साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो जब जब रेडियस बढ़ेगा किसी भी एटम का तो उसका साइज बढ़ जाएगा। और ये कहना क्या चाह रहा है हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हम तो एटमिक रेडियस जो है डिक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर, यानी कि ऐसे जाने पर, ठीक है, ऐसे जाने पर एटमिक साइज डिक्रीज होता है। समझ में आई कहानी। अब एटमिक साइज इंक्रीज कब होता है, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, ठीक है, जब हम नीचे की ओर जाएंगे डाउनवर्ड जाएंगे तो एटमिक साइज बढ़ेगा क्योंकि रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन अब बहुत छोटा होता है लेकिन आयरन तो बहुत नीचे होता है ना हाइड्रोजन से, आयरन की तो एटमिक रेडियस बड़ी होती है। समझ, तो कॉन्सेप्ट कहीं से भी लॉजिक कहीं से भी लगा सकते हो, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बस ये याद रखना कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटमिक साइज कम होगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर एटमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर बात आती है हमारे मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर की। जैसा कि मैंने बताया तो मेटलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि एटम जितना ज्यादा मेटलिक होगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एटम जितना ज्यादा मेटलिक होगा उतने ही ज्यादा वो क्या छोड़ेगा, अपने एलिमेंट यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसे कहते हैं, अरे जब कोई एलिमेंट किसी को कुछ देगा तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो ये बहुत सिंपल से दो चीजें बता दी। अगर कोई पूछे मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, दो प्रॉपर्टी तो याद रखनी है कि देखो पहली बात तो ये मेटलिक कैरेक्टर देने वाले होते हैं और क्योंकि ये देते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। बहुत सिंपल सी दो बातें हैं, लॉजिकली सिंपल है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, ऐसे ही याद रखनी होती चीजें लाइंस में। अच्छा बात करें लेफ्ट से राइट में अगर हम जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर घटेगा या बढ़ेगा, मारो तुक्का, मेटलिक कैरेक्टर घटेगा, ठीक है जी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज तो होंगे नहीं, ठीक है, समझ आ रही बात। तो कहानी क्या है कि मेटलिक कैरेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटलिक कैरेक्टर घटता है, यहां तक ठीक है जी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, ये भी पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी में तो बड़ा ही सुंदर सा चित्र बना रखा है पीरियडिक टेबल का, इसमें पिंक दे रखे हैं, ब्लू दे रखे हैं, कलर है बकायदा नीलम कलर दे रखा है, राइट। तो उससे एक बार जाकर के पढ़ लेना, बाकी मैं स्लाइड तो लगा ही दे रहा हूँ आपको। तो मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो को रुक रुक करके देखा करो ताकि वो जो चीज़ें मैं लिख के दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने लगाई है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको एडिट करता रहूँ या मेरी कोई टीम नहीं है कि मैं वो एडिट करने वाला बंदा है वो एडिट करके ही देगा। तो वो वीडियो को आप जरा उसको रोक करके एक बार उतार लिया करो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि लिखने की बड़ी इंपॉर्टेंस है पढ़ाई करते वक्त। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब अपने हाथ में मार्कर लेके बैठते हैं जब भी किताब पढ़ते हैं, और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पूरी किताब रंग के बैठे होते हैं एग्जाम से पहले 4 बार, राइट। हाईलाइट करना बहुत जरूरी है चीज़ें, इसलिए मैं भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिख के आपको दे देता हूँ। आगे बात करते हैं जो मेटलिक कैरेक्टर के बारे में बात होगी, लास्ट टॉपिक हमारा है नॉन मेटलिक कैरेक्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे मेटलिक कैरेक्टर का पॉजिटिव ये होगा नेगेटिव, वो देता था ये लेता है, दो चीजें क्लियर हो गई, समझ पाई बात। अच्छा ये राइट साइड में होंगे वो लेफ्ट साइड में थे तो बीचों बीच होंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम नीचे जाएंगे बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, दोबारा से घटेगा उल्टा नॉन मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाते वक्त घटता है, इधर बढ़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ आ गई बात।
तो ये मेटलिक कैरेक्टर नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था. जो भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर गिवन ऑन द स्लाइड्स प्लीज नोट देम एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड यू हैव टू नोट देम एज सून एज पॉसिबल एंड वाइल वॉचिंग द वीडियोज बी केयरफुल एवरीवन. जो भी आप सुने उसको आप लिखने की कोशिश शुरू करें एक बार, और अगर आप उसको ऐसा लिखते हैं और उसको एक बार आप छोटे शब्दों में या हाईलाइट करके जब लिख लेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे उससे आसानी होगी. अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी बात पर, कोई भी डाउट लग रहा है, तो काइंडली शेयर योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स. आपके कमेंट मुझे पावर देंगे ताकि मैं अगली वीडियो दोबारा जल्दी बनाऊं. और अगर शोर आता है मेरी वीडियोस में तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि मैं लाइव क्लास में ही वीडियो बना रहा हूं. मेरे हैं कुछ बच्चे जो मेरे को सपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू.